कहानी भारत की लॉस्ट आइलैंड की, जिसे देश से कर दिया गया था अलग थलग। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को क्यों सौंपा था कच्चतीवु। 256 एकड़ में फैले द्वीप को फिर से भारत में शामिल करने की मांग। सिर्फ अक्साई चीन कश्मीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि कच्चतीवु आइलैंड भी, जो कभी भारत का हुआ करता था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के गलत फैसले के कारण इसे भारत से अलग थलग कर दिया गया। लेकिन पीएम मोदी के संसद में उस भाषण से पहले बहुत कम लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, भारत का एक लॉस्ट आइलैंड कच्चतीवु। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच 256 एकड़ में फैला ये क्षेत्र तमिलनाडु में समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की रोजी रोटी का एक जरिया भी था, जिसे साल 1974 से 76 के बीच चार समुद्री समझौते के तहत भारत की तत्कालीन इंदिरा सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। कहा जाता है कि ये द्वीप पहले रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश राज के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी का भी भाग रहा, लेकिन इंदिरा गांधी के फैसले ने कच्चतीवु को भारत से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया गया और अब उस पर श्रीलंका का राज है। हालांकि किसी भी राज्य के एक हिस्से को अलग कर किसी दूसरे देश को सौंपने से पहले राज्य सरकार की सहमति ली जाती है, लेकिन कच्चतीवु श्रीलंका को सौंपने से पहले तमिलनाडु सरकार की सहमति भी नहीं ली गई, जिसके कारण उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इंदिरा गांधी के इस फैसले का तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय ने भी जमकर विरोध किया, क्योंकि समझौते की शर्त के अनुसार भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर मछली नहीं पकड़ सकते थे। उन्हें अपने ही देश के द्वीप पर मछली पकड़ना अवैध कर दिया गया, जिसकी वजह से कच्चतीवु के आसपास के मछुआरों का गुजर बसर संकट में आ गया। जो भी मछुआरा वहां मछली पकड़ने जाता, उसे श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड पकड़कर सालों के लिए जेल में डाल देते। चाहे इंदिरा गांधी ने कच्चतीवु को श्रीलंका को सौंप दिया हो, लेकिन तमिलनाडु के लोग इस बात को हमेशा ही इनकार करते रहे। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें कच्चतीवु द्वीप को दोबारा भारत में शामिल करने की मांग की गई। फिर 2008 में AIADMK की नेता जयललिता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और तर्क दिया कि भारत सरकार बिना संविधान संशोधन के देश की जमीन को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। साल 2011 में जब वो CM बनी तो विधानसभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया, लेकिन फिर भी कच्चतीवु दोबारा भारत का हिस्सा नहीं बन सका। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंदिरा गांधी की श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्रीमावो भंडार नाइके के साथ दोस्ती, जिनकी वजह से इंदिरा सरकार ने भारत के एक हिस्से को किसी दूसरे देश को सौंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। वैसे तो तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के समझौते को मानने से इनकार करती रही हैं। मौजूदा तमिलनाडु के CM के स्टालिन ने भी PM मोदी से कच्चतीवु द्वीप को भारत में शामिल करने की मांग की है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस पर वाकई भरोसा किया जा सकता है कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में है। क्या भारत कभी 1974 की गलती को सुधार पाएगा और क्या हम श्रीलंका से हमारी कच्चतीवु को वापस पा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।